अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद हाशमी एंड वेलकम टू एमएच कंप्यूटर एकेडमी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम फैक्टोरियल को फाइंड करेंगे कि यूज़र एक नंबर एंटर करे और हम उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करके दें। सो गाइस, इसको सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना है कि फैक्टोरियल होता क्या है। सो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे फैक्टोरियल होता क्या है, तो उसके लिए मैं यहाँ से मैं पेंट ओवर कर लेता हूँ और यहाँ हम पेंट से यहाँ अंडरस्टैंड करेंगे। मिसाल के तौर पर फैक्टोरियल इस तरह का होता है, मिसाल के तौर पर मैंने 5 का फैक्टोरियल जो है वो फाइंड आउट करना है। इसको इस तरह लिखते हैं, ये मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ होता है, यहाँ पे ये डॉट है, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल 5 का फाइंड आउट करना है, तो ये किस चीज़ के बराबर होता है, ये इस तरह होता है, मैं आपको बताता हूँ। इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास 5 का फैक्टोरियल होगा। इसी तरह मिसाल के तौर पर हम लेते हैं 3 का फैक्टोरियल। सो गाइस, ये हमारे पास 3 का फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। सो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 6 आएगा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारे पास क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो 3 का जो फैक्टोरियल होगा वो हमारे पास क्या होगा, 6 होगा। तो इस तरह का हमारे पास इसका कुछ लॉजिक होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आज हम इसको प्रोग्राम की हेल्प से हल करेंगे कि हम फैक्टोरियल किस तरह किसी नंबर का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है फैक्टोरियल के लिए। तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू, हम इसको यहाँ देते हैं 1, फैक्ट लिख देते हैं इसको, फैक्ट इज इक्वल टू 1। और दूसरा वेरिएबल लेते हैं नंबर का कि जो यूज़र एंटर करेगा, नम देते हैं इसको, नम। और यहाँ से फिर हम इसको हल करते हैं आगे। तो यूज़र से हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि सी आउट एंटर एनी नंबर टू फाइंड आउट फैक्टोरियल। सो फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे यूजर से कि वो एंटर करे वो नंबर। तो यहां हम देते हैं नम वेरिएबल। तो अब यहां क्या करेंगे, हम फॉर लूप यहां पे लगा देंगे और इसके अंदर फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइज इसको कराएंगे, इंट आई इज इक्वल टू 1 एंड आई इज लेस देन आर इक्वल टू जो नंबर यूजर ने एंटर किया है, यानी लूप वहां तक जाए। और यहां पे आई प्लस प्लस, ये फॉर लूप की बॉडी होगी। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम उस फैक्ट वाले वेरिएबल को यहां लिखेंगे, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, आई के साथ, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल रिपीटेशन के साथ हमारा जो वैल्यू है फैक्टोरियल के, जो आंसर होगा वो हमें बता देगा। तो सी आउट, और यहाँ पे आखिर में लूप के बाहर हम लिखेंगे फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पे नम दे देंगे जो नंबर होगा, और फिर उसके बाद इज ठीक है, इस तरह का स्टेटमेंट है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, फिर मैंने आपको समझाना है कि हाँ ये किस तरह वर्क कर रहा है। आप किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करें, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 3, उसने मुझे आंसर दिया कि फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6, ठीक है। तो गाइज, अब हम यहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं कि आई की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले 1 होगी, और नंबर क्या होगा यहाँ पे 3। सो फैक्टोरियल के अंदर क्या पड़ा है, 1, यहाँ पे 1 पड़ा है, और ये आई की वैल्यू पहली क्या है, जब पहली दफ़ा ये लूप चलेगी तो क्या होगा, आई के अंदर 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो फैक्ट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 1। अब ये लूप दोबारा चलेगी, अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्या आ जाएगा इसके अंदर, आई इज इक्वल टू 2, यहाँ कंडीशन चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू नम, यानी नम के अंदर क्या है 3, सो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये हमारे पास कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ आएगा। अब ये 1 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो फैक्ट के अंदर क्या चला जाएगा, 2, फैक्ट के अंदर हमारे पास 2 चला जाएगा। उसके बाद तीसरी मरतबा इंक्रीमेंट होगा, आई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, सो आई इज लेस देन और इक्वल टू नम,
ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू होगी। अब यहाँ अंदर आएगा और यहाँ फैक्ट के अंदर क्या पड़ा है हमारे पास, 2। फैक्ट के अंदर हमारे पास 2 पड़ा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या आएगा, 6। 6 इसके अंदर फैक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ फिर इंक्रीमेंट होगा, अब यहाँ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो आई जो है 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, फॉल्स है कंडीशन। तो क्या होगा, ये कंडीशन यहाँ से एंड हो जाएगी और ये यहाँ इस स्टेटमेंट को हमारे पास जो है प्रिंट कर देगी। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा वो 6। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।